बेड ही चाहिए था एक्चुअली, तो चलिए बेड में सारे इम्पोर्टेंट सामान लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा तो हो चुका है सारा सामान रेडी, और अब मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें रखा है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ स्टडी मटेरियल्स रखा है, बुक्स वगैरह सब। यहाँ पर मैंने लैपटॉप रखा क्योंकि जब मैं बोर हूँ तो बोर ना हो बोल के, और साइड में है बैग। तो फ्रेंड्स आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये बैग का क्या करूँगी 24 चैलेंज में। ये बैग मैंने अपने कुछ इम्पोर्टेंट हेयर बैंड क्लिप्स और ये क्रीम वगैरह वगैरह सब रखा है। तो चलिए इसको छोड़ कर के और भी सामान दिखाना बाकी, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रखा है टैडी, और यहाँ पर रखा है सॉल, नाइट टाइम में काम आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर वाटर बॉटल रखा क्योंकि पूरे चैलेंज में मुझे प्यास लगेगी, और हाइड्रेटेड के लिए वाटर इज द बेस्ट। पर आप सोच रहे हो मैं खाने के लिए कुछ क्यों नहीं रखी हूँ, मैं ऑर्डर मारूंगी यहाँ से। फ्रेंड्स चलिए 24 आवर्स चैलेंज शुरू करते हैं, मीन्स बेड फॉर 24 आवर्स शुरू कर दो। मेरा गॉस्ट इज अ वेल नॉन शॉर्ट स्टोरी बट उसको व्हाइट, मेरा गॉस्ट इज अ वेल नॉन शॉर्ट स्टोरी बट उसको व्हाइट, व्हाइट यू एडिटेड फॉर दिस। आई हैव टू थिंक दिस थॉट, ही गोस्ट नो गोस्ट इन स्टोरी हैज बीन इंसर्टेड लाइक दिस रिवेंज, ओह आई विल हैव द लास्ट लाफ, हाउ डेयर यू। चलो ये बुक तो रीडिंग हो चुका, अब चलो दूसरी बुक रीडिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपने बचपन की कुछ अविस्मरणीय घटना सुना, मैं कोई संदेह नहीं कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा। तो चलो सारे बुक तो रीडिंग हो चुके हैं, अब मैं तो बहुत बोर भी हो चुकी, चलो कुछ ड्राइंग करते हैं। फ्रेंड्स मेरा ड्राइंग हो चुका है, तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स मैं तो बहुत बोर हो चुकी हूँ और मुझे कुछ खेलने का मन कर रहा है, तो चलिए प्रिंस को बोलते हैं कुछ खेलने का सामान। प्रिंस जा कैरम लेके आ। तो फ्रेंड्स मेरा लंच में यहाँ है दाल, जो मेरा लंच में हमेशा रहता है, और यहाँ पर है कैबेज की सब्जी, और यहाँ है राइस। तो चलिए फ्रेंड्स इसे फिनिश करने के बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स मेरा लंच तो फिनिश हो चुका है, और अभी वैसे मुझे नैप लेती हूँ मैं, क्योंकि हर आफ्टरनून में मैं नैप लेती ही रहती हूँ, तो चलिए नैप लेते हैं। फ्रेंड्स मैं अभी हो चुका है इवनिंग टाइम, और मेरा नैप तो हो चुका है, और अभी मैं रेडी होंगी क्योंकि इवनिंग टाइम मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा फेस कितना फनी लग रहा होगा ना। और अभी मैं ना अपने फेस धो लेती हूँ, पर नहीं धो पाऊँगी क्योंकि बेड से उतरना पड़ेगा ना। तो चलिए
तो फ्रेंड्स मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, पर मैंने सारा चीज कर लिया, पर अभी मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने ना प्रिंस को बोला ना कि ना मेरा किचन सेट लेके आए, मैं थोड़ा से खेलूंगी। ये रहा मेरा किचन सेट, और इसे मैं अरेंज करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये एक मिनी सा ग्लास, और इसमें हम लोग पानी भी पी सकते हैं, बस क्यूट सा है। और यहाँ पर चम्मच है जो बहुत ही रियल लग रहा है, मुझे तो बहुत ठीक है। और ये फूड जिससे हम लोग असली में भी खा सकते हैं। और ये है कुछ डब्बा, ये भी डब्बा, ये भी डब्बा, जिसमें हम लोग दाल चावल और बहुत कुछ रख सकते हैं। और ये है मेन चीज जो हमारी कुकिंग में ज़्यादा हेल्प करती है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इतने मिनी मिनी किचन सेट कैसे लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत यम्मी है। तो फ्रेंड्स मेरा कुकिंग वाला गेम खेलना तो हो चुका है, और मैंने बहुत देर खेल लिया, और थोड़े से पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो मैं अभी थोड़ी वन मिनट तक मैं पढ़ ही लूँगी, फिर बाद में डिनर करने का टाइम होगा तब मिलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, करना तो हो चुका है, और अभी मैं करूँगी डिनर। और मैं डिनर में खा रही हूँ चपाती, 2 चपाती, और यहाँ पर है पटल का सब्जी। तो चलिए से खाते हैं। फिनिश हो चुका है, और अभी मैं सो जाऊंगी, और कल मॉर्निंग को मिलते हैं मॉर्निंग टाइम में। तो गुड नाइट, अभी के लिए गुड नाइट। वाओ, कितना अच्छा रेनी कर रहा है, कितना अच्छा मौसम गया इस दिन। ओह फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरा चैनल तो यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।